गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को नवाब की तरफ से। गुड्डू ई गुड्डू गुड्डू छोला है मेला। देखो गाइस, यहाँ पे ये मेला छोला है और ये मेला भटूला है जो अभी तक सोला है। तो छोले पापा उठा दो, पापा को उठा दो। कह रहे मम्मी यार तुम चली जाओ, मैं खुद नींद में हूँ। हाँ मुझे भी सोने दो। नाबू आया तो पापा को उठाने था, लेकिन पापा ने उसे ही पकड़ लिया। करे आजा यार सो जा। नाबू पापा को उठा दो बेटा। ए गुड्डू उठा दो पापा को। पापा पापा लेटी हो गए, लेटी हो गए, बहुत ज्यादा लेटी लेटी हो गए। साथ में खुद ही योनिंग कर रहा है निकम्मे। ले जा तू भी सो जा, सो जा तू भी, सो जा सो जा। यार रात को ना सोते सोते बहुत लेट हो गया था, तो मैं उठाऊंगा अभी 11 बजे और मैं नवाब को लेके आया हूँ साथ में घुमाने। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज, तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत जल्दी सर्दियाँ चली गई हैं और बस गर्मी आ गई। देख रहे हैं सर नाबू को कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों लेटा है ये? और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मुझे दिखाना एक बार, मम्मी के हाथ का मक्खन, आलू के पराठे, मक्खन वाइट एकदम नूनी घी। मतलब इससे बेहतरीन काम कुछ भी नहीं हो सकते भाई सब। इससे खा के जबरदस्त एक्सरसाइज होती है ना, आलू के पराठे खा के। लोमड़ी कहाँ जा रही है पूछो मत। नागुड़ी कितने प्यार से सो रही है, इसकी जीभ देखना कितनी छोटी सी निकाल के, ऐसे ऐसे होते हैं क्यूट क्यूट है ये। और अभी मैं एक जादू दिखाऊंगी और आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि रोहन जा रहे हैं जिम। रोहन ने जिम का बैग उठा लिया है और उनका जिम का बैग तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा ना मारने का मन है तुम्हारा बैग, पर इसमें ना कपड़े नहीं आएंगे ज्यादा, जैसे कि मैं पहनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा मोटे मोटे सर्दी वाले कपड़े तो बहुत ही पहनती हूँ। क्यूट लगा, ये कितना गहरी नींद में था ये। चलो ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत स्मार्ट बच्चा हूँ पापा, ऐसा मत समझना मेरे को, ऐसा वैसा बच्चा मत समझना, मैं बहुत समझदार हूँ। आपको कैसे पता चलता है मेरे को ये बताओ, घर में कुछ भी हो जाए है ना, ये तो आप सबके साथ भी होता होगा ना, आपके घर में जैसे फरवे भी होंगे, तुम जैसे पैकेट वैकेट खोलो कुछ ऐसे करो एकदम आ जाते हैं कहीं भी सो रहे हो। हाँ लेकिन ये है कि ये पैकेट खोलने पे नहीं आता, लेकिन हाँ बाहर जाने के लिए। जिम बोलो तो आज से ट्रेडमिल करा दूं। जल्दी 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 पापा के पास, जल्दी 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 जल्दी। आया पापा का गुद्दा, आया आया आया। ऐसे ऐसे मस्ती कर रहे हैं, जाओ 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 खेलो, जाओ 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 खेलो। नाबू कौन आया जिम में, कह रहा है इसका चेहरा किधर है, बाल काट के। नाबू खेलना खेलना है आपको इसके साथ में। हेलो एवरीवन, तो मैं लगी हूँ अभी सफाई करने नवाब के वार्डरोब की, क्योंकि नवाब का वार्डरोब ना मैनेज नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया सामान, क्योंकि डेली उसमें से मैं खाना निकालती हूँ स्ट्रे डॉग्स के लिए। तो आज मैं अच्छे से साफ करती हूँ उसको, थोड़ा मैनेज करती हूँ। और अभी नाबू तो गया हुआ है पापा के साथ में जिम और बच्चे भी सो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा था तो सोचा कि आज ये वाला काम कर लेती हूँ। रोज नया नया काम मेरे को ना ऐसे ढूंढना पड़ता है कि आज ये करती हूँ आज ये। नाबू के वार्डरोब के ये हाल चाल है, देखो टॉयज तो टॉयज भी खैर ऊपर नीचे ही हो रहे हैं सारे, ये हाल चाल है वार्डरोब के। तो अब मैं इसे बिल्कुल साफ करने वाली हूँ। ये पता कैसे हो जाएगा, आप लोग बिफोर तो देख रहे हो ना कितना गंदा कितना हो रहा है, अब आफ्टर देखना मैं एकदम इसको चमका दूंगी। वर्कआउट तो अच्छे से हो गया, बट मैंने साथ में मिस किया गौरव को, क्योंकि जब आपका जिम पार्टनर नहीं होता साथ में तो एक्सरसाइज उतने अच्छे लेवल की नहीं हो पाती। आप सब जानते हो गौरव को, इज़ माई जिम पार्टनर, इज़ माई ब्रो, सिर्फ माँ अलग हैं लेकिन हम भाई हैं बिल्कुल।
बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको भी पता है कि भाइयों में भी लड़ाई होती है, दोस्तों में भी लड़ाई होती है, ऐसे मेरे साथ में हुआ है। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे आप आवाज़ मारो और वो सडन चलाए, बट ये भी ना पूछे कि क्यों आना है, तो वो गौरव है। छोटी छोटी लड़ाई हो रखी है, मैं मना लूँगा, उसने जिम चेंज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं उसे दो तीन दिन में ले आऊँगा, बट फिर भी आई एम मिसिंग यू गौरव। अगर तू ये व्लॉग देख रहा है तो, लड़ाई हो गई तो ये थोड़ी व्लॉग देखना छोड़ देगा है ना, व्यू तो तेरे को बढ़ानी है, जल्दी मैं लेके आऊंगा तेरे को इसी जिम में, वरना फिर मैं भी ये वाला जिम छोड़कर तेरे जिम में आ जाऊंगा। मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन भाई मेरे को देख के कह रहा है तेरे से मिल रहा था, आ भाई चला जा, नवाब से मिलना है, उधर चला जा, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं चलना, आ जा, चल चल बाबू, उतरा नहीं है, आ जा, अब मैं तुझे वो दिखा के लाऊं, वो टाइगर भाई, ये जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, बेइज्जती करने के अलावा कोई काम नहीं होता, अबे हम हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी हम ही हैं, कौन कोई नहीं जानता, बता दे भाई, बता जतिन, अरे वीडियो बनाएगा ना तो मेरा सीन कटना हो जाए, इसका इंतजार कट हो जाता है, ये एडिटिंग करता है, यही से पकड़ लिया, कट गया तो करेगा ये, अरे देख मेरा सीन कट हो गया, फिर देख लिया तो बहुत सारे गड्ढे, लेकिन नाबू की बैलेंसिंग देखो, इतने गड्ढे होते हुए भी कितने मजे से बैठा है, शॉर्टकट हमारी सोसाइटी के लिए, और जस्ट सोसाइटी के पास में आ जाता है, तो नवाब को इधर से लेके आने का रीज़न ये है कि ट्रैफिक में ना फिर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं नवाब को जानने वाले, तो लगा कि चलो इधर से चल लेते हैं, ज़्यादा हमें लगा हिमशु घर पे है नहीं, नहीं तो मैं सफाई कर रही हूं। हमने देखा कि फिर यहाँ पे सामान फैला पड़ा है, नवाब तो कैसे हैरान हो रखा है, मम्मी ये क्या कर रही है, जैसे बच्चे नहीं हो जाते कि मतलब मेरा रूम क्यों छेड़ दिया, मेरे को मेरा सामान ही नहीं मिल रहा, हाँ फिर से इसे गंदा करो, तो हिमशु नाबू का वार्डरोब सेट कर रही है भाई, देखो ये वैसे तो ऑब्वियसली टॉयलेट है, लेकिन ये नवाब का रूम है, पर हमने यूज नहीं किया ना, हाँ कभी भी यूज नहीं किया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ नवाब, ये देखो अब हो गई फुल ऑन सफाई, सब चीज अपनी जगह मैनेज ठीक से ढंग से, और गंद भी काफी सारा निकला है, वो कर दिया था क्या हुआ तुझे, क्या हुआ रोहन पता ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना पहले जो हलवा गर्म किया था उनका ठंडा पड़ा है, बिल्कुल गर्म कर दो अच्छे से, हिमशु जैसे मुंह में लिया वैसे छोड़ गया, छाले पड़ गए पक्का, अब तो टेस्ट गया तुझे, मैंने पहले किया था वो बिल्कुल ठीक किया था खाने लायक, तुमने कहा इसको फूंक दो फूंक दिया तुम तो चाहती है हो मैं फूंक जाऊं तुम्हें इतनी डंबू घर का तो लॉक कर रही थी स्कूटी की चाबी से, और स्कूटी में जाके लगा देती हूँ घर वाली चाबी, क्यों बता रही हो यू आर डंब, पता चली जाएगा यार एक दिन जब सब लोग देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कितनी लुल्लू मैं हाँ दिखाना खाना दिखाना फिर से, वो स्टोरी में रह गया, ये दिखा देता हूँ, देखो हिमशु का बैग फट गया, तो आपने लास्ट लॉक में देखा होगा, अब इसमें लेके जा रही है खाना, कल लेके आएगी बैग परचेज करके, बैग खरीदना पड़ेगा है ना, एक कट्टा बस दो दिन चलता है, अरे पतली है पागल हो गए लोग, अपनी बहन को नहीं बचाने, स्पीड देखो उसकी, मेरी स्कूटी देखते ही, हाँ बेटा पतली थी खा लो खाना खाओ ना, खाओ क्या, वीडियो में आना है, व्लॉग में आना है, ओके अच्छा आज भाई इसको शामू को ना व्लॉग में आना है, पतली अब खाना खाओ बेटा, तो मेरे खाना खिलाने की एंडिंग हुई यहाँ पे, मैं इन सब बच्चों को खाना खिला के अब जाऊंगी घर, इन आँखों में देखो कितनी नींद है अभी, हिमशु ये एक बच्चों खाना खिला के, मैं एडिटिंग कर रहा था, मैंने नवाब खाना खिलाया, और ये देखो क्या चल रहा है, पोटी करना चाह रहे हैं ये, ओ भाई साहब, तो मैं भी आया हुआ था नवाब को लेके नीचे घुमाने, हिमशु पिला रही है बच्चों को दूध, आपने देखा ही लास्ट में, और यहाँ पर आकर देखो बच्चे कैसे चिपट जाते हैं नवाब से, और ये बच्चे जस्ट अभी खाना फिनिश किया है लोगों ने, हिमशु ऑलरेडी पहले खिला के जा चुकी, तो सारा काम हो गया ख़त्म, अभी बच्चों को हिमशु ने दूध पिलाया और जाके सो गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे अपनी डाइट, ये तो डाइट खा के मैं भी सो जाऊँगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 1:30 होने वाले हैं, तो आज के लिए यहीं पर गुड नाइट।
व्लॉग को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। एंड थैंक यू सो मच इतना सब सारा प्यार करने के लिए। बाय बाय।